दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के डेलीगेसी द्वारा वार्षिक पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को संवाद भवन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान डेलीगेसी की ओर से आयोजित वर्ष 2020 और 2021 में आयोजित प्रतियोगिता में विजेता 140 विद्यार्थियों को कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने प्रशस्ति पत्र और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा कि केवल डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, हर फील्ड में एक्सीलेंस की गुंजाइश होती है, उसे हासिल करने की दिशा में विद्यार्थियों को कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में कला के विद्यार्थियों को भी कंप्यूटर की जानकारी होना अनिवार्य किया गया है। इन्हें ध्यान में रखकर ही विश्वविद्यालय की ओर से CBCS पैटर्न को स्नातक स्तर पर सत्र 2021-22 में लागू किया जा रहा है। पढ़ाई के साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के नजरिए से ही राजनीति शास्त्र विभाग में पॉलिटिकल लीडरशिप एंड इलेक्शन मैनेजमेंट सेल का गठन किया जाएगा। इस मौके पर मंच पर अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, कला संकाय की अध्यक्ष प्रोफेसर नंदिता सिंह एवं कुल सचिव विश्वेश्वर प्रसाद, डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मीतू सिंह तथा संचालन डॉक्टर श्वेता ने किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मेडल पाने वाली छात्राएं और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह ने कहा, कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। हमें ताल देवा, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द दे। दिक्कतें होती हैं, अब
अपनी कमियां होती है, कमियों को इग्नोर करके अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाता है। शतरंज में सेकंड स्थान प्राप्त किया है, स्थान प्राप्त किया है। टेनिस बालिका युगल में फर्स्ट, बैडमिंटन बालिका में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमान हैदर बैडमिंटन युगल में द्वितीय स्थान, प्रथम स्थान हुआ है। प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त हुआ है। स्थान फोटोग्राफी में तृतीय स्थान, तृतीय स्थान टेबल टेनिस में प्रथम स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मोहम्मद आसिम टेबल टेनिस बालक में, कुमार पटेल एमए द्वितीय वर्ष, सांपगीता के लिए वैभव कुमार बीएसए तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए मैं पंकज श्रीवास्तव विभिन्न प्रतियोगिताओं में द्वितीय स्थान आमंत्रित करती हूँ। बीए द्वितीय वर्ष इंडियन टेबल टेनिस रजत राय बीए सेकेंड ईयर, रिपीट कर रहे हैं चार मेडल मिला है शतरंज प्रतियोगिता में, कैरम में, टेबल टेनिस में और कैरम में। इस साल काफी कम माना जाता है कैरम और शतरंज जी। हाँ, पढ़ाई भी करती हैं और ये भी जी, मैं पीएचडी की छात्रा हूँ यही इंग्लिश डिपार्टमेंट की, और मैंने इसमें यहाँ पे शतरंज सीखा भी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा हमको प्रेरित किया गया है कि मतलब स्पोर्ट्स का भी, स्पोर्ट्स भी एक हिस्सा है एजुकेशन का, इसलिए इसमें बहुत मेहनत करने के बाद ये सब मेडल मिल रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आज हम इस लायक हैं कि यहाँ पे खड़े होके सम्मानित किए जा रहे हैं वीसी के सर के द्वारा। पूजा श्रीवास्तव सर, हमें तीन मेडल मिले हैं सर। कहानी में 2 वर्ष प्रथम पाए हैं और शतरंज में 1 वर्ष तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सर ये बहुत ही हमारे व्यक्तित्व के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और हमें लगता है कि हमें अपने शिक्षा के साथ साथ इन सारे जितने भी प्रतियोगियाँ उन्हें अवश्य प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि इससे ना केवल हमारे जो हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि हम किस क्षेत्र में अच्छे हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं, और हमें इसके लिए बहुत ही इन पुरस्कार के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है, एक ऊर्जा मिलता है जिससे हम अगले वर्ष या अन्य कार्यक्रमों में और अच्छे से प्रतिभाग कर पाएंगे। सर अभी हमारा MA चतुर्थ सेमेस्टर है। जो अवार्ड फंक्शन था जिन बच्चों ने डिफरेंट इंडोर आउटडोर और होस्टल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था उनको अवार्ड किया गया है, क्योंकि पिछली बार 19-20 जो कोरोना के कारण नहीं दिया जा सका था तो इस पर इकट्ठे दिया गया है, लगभग 150 बच्चों को अवार्ड दिया गया है। एक मैसेज है, मैंने कहा था मैं आऊँगा, एक मैसेज है कि सभी को अवार्ड मिला है, अवार्ड लेने के बाद ही आगे बढ़ें, खेल कूद प्रतियोगिताओं में हम लोग को आगे बढ़ना है, ओलंपिक में हम लोग ने एक मैसेज दिया है, उसी सिलसिले में ये अवार्ड सेरेमनी थी और मैं उन सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद देता हूँ जिनको अवार्ड मिला है।